एटीट्यूड कई लोगों का बड़ा नेगेटिव होता है, एम्बिशन तो सबके अंदर जीतने का, बोला हां जीतेंगे करेंगे, लेकिन एटीट्यूड, विनर एटीट्यूड होना चाहिए आदमी के अंदर। और एटीट्यूड के ऊपर कई सारी कहानियां हैं जो आपने सुन रखी होंगी। एटीट्यूड कैसा, एक नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। एक बंदे से एक बंदा गया, एटीट्यूड, कई सारी कहानियां हैं एटीट्यूड के ऊपर। और आप सुनते होंगे हनुमान जी का एटीट्यूड, अर्जुन जी का एटीट्यूड, एटीट्यूड का ही खेल है। कई सारी ऐसी कहानियां सुना रखी हैं। तो एटीट्यूड हमेशा जीतने वाला होना चाहिए हमारा। एक बंदा बोलता है कि नहीं होगा और एक बंदा बोलता है कि होगा, एटीट्यूड का ही तो खेल है। सेफ जोन में आने के बाद एक बंदा टारगेट जीत लेता है, एक बंदा बोल रहा है कि यह प्लानिंग बहुत आसान है और मैं जीतूंगा, और वो जीत लेता है। और एक बंदा क्या बोल रहा है, पता नहीं, प्लानिंग तो लग रही है मेरे को सही है, पर देखते हैं हो जाएगी तो ठीक है। तो एटीट्यूड का ही गेम है। शेर जो है और हाथी में एक ही फर्क है, शेर का जंगल का जो राजा है वो शेर है। क्यों है? क्योंकि हाथी से ज्यादा बलशाली थोड़ी नहीं है शेर, सांप से ज्यादा जहरीला थोड़ी नहीं है शेर, मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर नहीं है शेर। लेकिन शेर जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि शेर के सामने जब शिकार आता है ना, तो ये नहीं सोचता ये बड़ा है, बस वो हमला बोल देता है, बोला इसको मैं खा सकता हूं। हाथी भी आ जाए उसमें भी हमला कर देगा वो, एटीट्यूड है ना उसका। एक पे नहीं गिरेगा हाथी तो वो चार पांच आ जाएंगे, साले चढ़ जाएंगे ऊपर, उसको गिरा लेंगे। एक पेड़ से कूदेगा, एक पूंछ पकड़ेगा, दूसरी टांग पकड़ेगा, साले को खींच ले जाएंगे हाथी को। जंगल का राजा है ना वो, जबड़ों में बहुत ताकत है उसके। लेकिन क्या एटीट्यूड है उसके सामने, जिराफ आ जाए उसको भी खा जाएगा पकड़ के, अजगर आ जाए उसको भी पकड़ के खा जाता है, वो सब पे हमला बोल देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, बोला कुछ भी आ जाए। लेकिन गीदड़ पहले देखेगा, सोचेगा, छुपा रहेगा, एटीट्यूड नहीं है ना उसका। इसीलिए बोलते हैं जंगल का राजा एटीट्यूड जो है शेर है, उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। इसी तरीके से आप देखेंगे पक्षियों का राजा बाज है। जब बरसात होती है तो आप देखोगे सारे पक्षी घोंसले में घुस जाएंगे, होंगे दीवार के नीचे घुस जाएगा, लेकिन बाज जो है वो और आसमान पे ऊपर उड़ जाता है, और ज्यादा तूफान आएगा तो और ऊपर, और आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है वो, जहां पर तूफान का बारिश का कोई असर नहीं होता। वो अपने पंखों को फैला देता है और ऊपर उड़ेगा, इसीलिए वो पक्षियों का राजा है बाज। अगर हमारा भी एटीट्यूड ऐसा हो, अगर हम भी ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने प्रति, तो टारगेट हो सकता है, और हो नहीं सकता, होता है, हाँ है ना, हाँ है ना।